जब यहाँ पर आए तो अपने जूते ज़रूर पहन के आए, चप्पल या फिर हाई हील्स पहन के आते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है। दोस्तों आपको उस पार जाना है वहाँ पर, तो यहाँ से आपको चलते हुए जाना पड़ेगा, लेकिन पानी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस यहाँ फिसलन भी है, उसको भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं झरना, वाटरफॉल। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग झरने के बहुत ही करीब आ चुके हैं और यहाँ पर आप झरना देख सकते हैं ऊपर से नीचे आता हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। आज हम लोग आए हैं सिद्धखोल जलप्रपात, जो कि बलौदा बाज़ार के पास में है, और यहाँ मेरे पीछे में जो रास्ता दिख रहा है वो बलौदा बाज़ार की तरफ से हम लोग आए हैं, और ये जो रास्ता जो जा रहा है ये आपका जाता है सिद्धखोल जलप्रपात पे। अब बहुत ही अच्छा जलप्रपात है, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं नोटिस बोर्ड लगा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का, सिद्धखोल जलप्रपात आपका हार्दिक स्वागत करता है। वन परिक्षेत्र सोनाखान वन मंडल बलौदा बाज़ार पे आता है, 800 मीटर दूरी पे है, मतलब ये वाले रास्ते पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको 800 मीटर दूरी पे पड़ेगा। हम लोग इस रास्ते से आए हैं, बलौदा बाज़ार से हम लोग इस तरफ आए हैं। बलौदा बाज़ार से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट 45 या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, और इस वाले रास्ते पे हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं जहाँ पर आपका आएगा सिद्धखोल जलप्रपात। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे हम लोग इस वीडियो पे। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं जलप्रपात, और यहाँ पर ये जो वाटर दिख रहा है आपको, ये वाटर ही नीचे जाकर जलप्रपात बनता है। अभी तो पानी हालांकि कम है, लेकिन जब यहाँ बाढ़ वगैरह आता है, अच्छा खासा बारिश होती है, तब ये पानी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अभी हम लोग नीचे चल के देखते हैं दोस्तों, और नीचे का जो झरना है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी को, यहाँ एक धार आती है और यहाँ पर पानी जमा हुआ है, और इसके बाद यहाँ से पानी आगे बढ़ रहा है। बढ़ते दोस्तों फिर आगे। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, और यहाँ पर आप एक टेंपल भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इस रास्ते पे आप जाते हैं तो यहाँ से आप झरने का जो नीचे वाला व्यू है उसको यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हुए, और यहाँ पर आप घेरा देख सकते हैं, जालियों का घेरा, सुरक्षा का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर सीढ़ियाँ एकदम ही ढलाऊ पे है, बहुत ही गहरी सीढ़ियाँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे वाटरफॉल है और यहाँ पर थोड़ा गहराई पे हमको जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हैं जंगल का, देखिए थोड़ा आप सीढ़ी उतरे तो देखकर उतरिए, क्योंकि हल्का सा भी अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो सिचुएशन अलग हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं माहौल, आप घना जंगल एकदम, यह है आपका सिद्धखोल वाटरफॉल। अभी वाटरफॉल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ऊपर भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं और नीचे यहाँ पर खाई, बहुत ही गहरा खाई है, थोड़ा देख संभल के चलना पड़ता है, प्लस जंगल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अभी तो बहुत और नीचे हमको चलना है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर वाटरफॉल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं झरने का रूप। अभी तो पानी हालांकि कम है, लेकिन फिर भी हमको सावधानी बरतना है, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरा है। यहाँ पर दिख हमको कम रहा है, अभी नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, दिख यहाँ पर हमको कम रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ऊपर से आप देख सकते हैं, ये है आपका सिद्धखोल वाटरफॉल, बहुत ही ज़बरदस्त पानी। ज़्यादा एक्साइटमेंट में दोस्तों आप लोग नहाने के चकल्लस में यहाँ पर ना जाए तो बेटर होगा, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गहरा, प्लस चट्टानों पे यहाँ पर फिसलन, तो थोड़ा सावधानी भी बरतना पड़ेगा हमको। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ियाँ,
कितनी घनी झाड़ियाँ हैं यहाँ पर। अभी कोशिश करते हैं आपको उस वाले पॉइंट पे ले जाकर दिखाने का। दोस्तों हम लोग पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी आता है वो यहाँ से आगे बढ़ता है और आगे बहुत ही ज़्यादा गहरा जंगल प्लस इसके आगे जाएंगे तो और यहाँ पर झरना बढ़ने की चांसेस रहते हैं। अभी हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ सकता है। प्लस आप जब यहाँ पर आए तो अपने जूते ज़रूर पहन के आए, चप्पल या फिर हाई हील्स पहन के आते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पत्थर बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है। अब हम लोग यहाँ से इस पार्ट पे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है इसको थोड़ा पार करना यहाँ पर। अभी देखते हैं इस साइड पे। दोस्तों आपको उस पार जाना है वहाँ पर तो यहाँ से आपको चलते हुए जाना पड़ेगा लेकिन पानी का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्लस यहाँ फिसलन भी है उसको भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं झरना वाटरफॉल आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तो पतला धार है लेकिन बरसात में ये और ही ज़्यादा बढ़ सकता है। अद्भुत पॉइंट यहाँ पर, ये मेरा दूसरा चांस है दोस्तों यहाँ पर आना। एक बार मैं और आ चुका हूँ, उस टाइम ज़्यादा पानी नहीं था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा पानी है। तो ये है दोस्तों आपका सिद्धखोल वाटर पार्क वाटरफॉल। यहाँ से अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरता हुआ। और यह है आपका सिद्धखोल वाटर फॉल। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग झरने के बहुत ही करीब आ चुके हैं और यहाँ पर आप झरना देख सकते हैं ऊपर से नीचे आता हुआ। ये जो पानी दिख रहा है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गहरा है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रख रहे हैं प्लस यहाँ पर झरना आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पर आए तो डर भी लगता है दोस्तों, कब सडनली अचानक से जो वाटर का फ्लो है वो बढ़ जाए, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा हमको यहाँ पर सचेत रहना पड़ता है। तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने वाटरफॉल तो देख लिया, अब टाइम है वापस जाने का। वापस जाते टाइम देखिए यहाँ पर आपको बंदर वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा थकावट तो लगेगी ही। तो चलते दोस्तों फिर अब हम लोग वापस और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।